अमेरिका जैसा देश जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर और बेहद विकसित देश कहा जाता है। इस देश जाने का सपना हर किसी का होता है, कोई यहाँ पढ़ने जाना चाहता है तो कोई रहने के लिए। इसके साथ साथ इस मुल्क में काम करने का सपना भी लाखों करोड़ों लोगों का होता है। वहीं अगर बात करें अपने देश भारत की, तो अपने यहाँ से भी हर साल लाखों लोग अमेरिका में इसलिए जाते हैं ताकि वहां जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। अब ये बात रही काम धाम की, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या काफी है जो ये जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं कि आखिर अमेरिका में कितने लाख हिंदू रहते हैं और मौजूदा समय में अमेरिकी आबादी में उनका कितना प्रतिशत है। अगर आप भी ये जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि अमेरिका में कितने फीसद हिंदू रहते हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम को ध्यान से और पूरा सुनिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके कि अमेरिका में कितने लाख हिंदू रहते हैं। अब जिस तरह से भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, ठीक उसके उलट अमेरिका में हिंदू अल्पसंख्यक धर्म है। मतलब इस देश में हिंदुओं की संख्या काफी कम है, मगर इसके साथ में यह बात भी एकदम सही है कि अमेरिका में ज्यादातर हिंदू भारत से ही आकर बसे हैं। भारत के अलावा अगर बात करें तो अमेरिका में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी आकर हिंदुओं की काफी बड़ी संख्या अमेरिका में आकर बस गई है। मगर इन सब के बावजूद इन देशों के मुकाबले भारत से अमेरिका में आकर बसने वाली हिंदू आबादी में सबसे अधिक भारतीय हिंदुओं की है। खैर, मुद्दे पर वापस लौटते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका में कुल कितने लाख हिंदू मौजूदा वक्त में रहते हैं। आपको शायद ये बात तो पता ही होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 32 करोड़ के आसपास है। आबादी के मामले में भी अमेरिका दुनिया भर में चीन और भारत के बाद तीसरे पायदान पर आता है। 32 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या की बात करें तो एक रिपोर्ट को पढ़ने पर पता चलता है कि 2014 में अमेरिका में हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो 0.7% हिंदू थे, लेकिन उसके बाद इसमें गजब की बढ़ोतरी देखी गई और अब ये आंकड़ा बढ़कर 1% से भी ज्यादा हो गया है। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि मौजूदा समय में यानी कि 2019 में अमेरिका में कम से कम 32 लाख से भी ज्यादा हिंदू रह रहे हैं। साथ ही सबसे अहम आंकड़ा तो निकल कर ये सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये आबादी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब साफ है कि आने वाले सालों में अमेरिका जैसे देश में भी हिंदुओं की आबादी बढ़कर 50 लाख के करीब हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिका में हिंदू की स्थिति के बारे में, तो हमें पता चलता है कि अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर हिंदू अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। कम से कम 47% अमेरिकी हिंदुओं के पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, जो ये साबित करता है कि पढ़ाई के मामले में अमेरिकी हिंदू काफी बेहतर और मजबूत हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं की कमाई की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले हिंदू बहुत ज्यादा बढ़िया आमदनी भी कमा रहे हैं। साथ ही जिस तरह से अमेरिका जैसे बेहद संपन्न देश में रहने के बावजूद अभी तक इंडियन हिंदुओं के पैर जमीन पर ही हैं, क्योंकि अगर आपराधिक आंकड़ों पर भी नजर दौड़ाई जाए तो किसी भी तरह के आपराधिक मामलों में हिंदू लोगों का नाम न के बराबर ही देखने को मिलता है। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अमेरिका में हिंदुओं की आबादी कितनी ज्यादा है और इन जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा भारत से ही आता है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर हिंदू भारत के रहने वाले ही हैं। फिलहाल जो लोग अपने वतन से दूर अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं, वो सिर्फ खुद के लिए ही वहां नहीं जाते, बल्कि भारत में रहने वाले अपनों की तमाम जरूरतों को पूरा कर सकें, इसके लिए भी परदेश का रुख करते हैं। साथ ही बहुत से लोग पढ़ाई करने, काम करने के मकसद से भी अमेरिका जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। फिलहाल अमेरिका में हिंदू धर्म को मानने वालों की आबादी चौथे नंबर पर आती है, जो अपने आप में ये बताती है कि ये जगह हिंदुओं के लिए भी कितनी बेहतर है। खैर, जिन लोगों को अब तक ये नहीं पता था कि अमेरिका में कितने प्रतिशत हिंदू रहते हैं, तो उनको पूरी तरह से ये पता चल गया होगा कि अमेरिका में 32 लाख से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो अपनी जिंदगी को तो बेहतर बना ही रहे हैं,
साथ ही तमाम तरह के अपराधों से भी खुद को बचाए हुए हैं। साथ ही शिक्षा के मामले में भी हिंदुओं का कोई जवाब नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में रहने वाले ज्यादातर हिंदू न सिर्फ सुखी जीवन जी रहे हैं बल्कि बेहद खुशहाल भी हैं।